करने के दावे कर तथाकथित भगवान बने बैठे हैं। बाराबंकी के एक मौलाना के साथ साथ बिहार से चौंका देने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जहां एक शख्स का यह दावा है कि उसके कंबल में चमत्कारी शक्तियां हैं, जिनके दम पर वो कई तरह की बीमारियों का इलाज भी कर सकता है। रिपोर्ट आप देखें। जितने बाबा उतने ही दावे। देश हाथरस के घाव से उभर भी नहीं पाया कि इस तरह के बाबाओं की अलग अलग जगहों से सामने आती तस्वीरें विचलित कर देती हैं। कहीं भूत भगाने का दावा तो कहीं बांझपन का, कहीं मोतियाबिंद का तो कहीं पोलियो का, कोई तो कैंसर तक ठीक करने के दावे के साथ मजमा लगाए बैठा है। काले कंबल को सिर पर साफे की तरह पहना हुआ ये शख्स खुद को कंबल वाला बाबा के नाम से पुकारा जाना पसंद करता है, और हम फिलहाल बिहार के मोतिहारी में इसी के आश्रम नुमा एक कमरे में हैं, जहां इसका दावा ये है कि अलग अलग बीमारियों को वो ठीक कर देता है। ये महिला छत्तीसगढ़ से आई है और इनका दावा है कि इनके पति ना चल सकते हैं ना ही बोल पाते हैं। इनको भरोसा है कि बाबा कंबल वाले इन्हें ठीक कर सकते हैं। ये बच्चे को भी पता लगे कंबल में क्या पावर। देख, मैंने अभी हाथ भी नहीं लगाया, नहीं लगाया तो उसके पैर हाथ देख ले, पैर देख ले, नहीं काम करता है, नहीं काम करता है। नहीं, हाथ और पैर बोल नहीं पाते, हाथ नहीं काम करता। अब मैं देखना। और आप बिना कुछ इलाज किए ठीक कर देंगे इनको, बिना मेडिकल ट्रीटमेंट? हाथ भी नहीं, अरे हाथ भी नहीं लगाऊं, हाथ भी नहीं लगाऊं। क्योंकि ये बड़ा दावा है कि बिना कुछ किए इन्हें ठीक कर दिया जाएगा, कैसे करेंगे? अरे कहाँ से आए, वो तो तूने देखा, घर से आए हैं, गुजरात का हूँ, वो भी पता है। बिल्कुल, मैं तो गुजरात का हूँ, गुजरात से हैं ये, छत्तीसगढ़ से आप इनको बिना कुछ किए? हाँ, देखिए बिना कुछ किए जो है वो चल रहे हैं। तो देखिए बिना कुछ किए अब ये चलने भी लग गए हैं, जो चल भी नहीं पा रहे थे, बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक ये अलग सी तस्वीर नजर आई, जब बाबा ने बस कंबल रखा और ये बोलने भी लगे और चलने भी लग गए, अब चल पा रहे हैं। पहले से ठीक लग रहा है, पैर भी ठीक हो गया। और अब ये शख्स चलने लगा है और बोलने भी। फिर उसको दौड़ाना है, तेरे सामने यहाँ से दौड़ा के देखा तू। बाबा खुद को गुजरात का मूल निवासी बताता है और दावा करता है कि सिर पर लपेटे हुए कंबल के चलते ही ये सब चमत्कार कर पाता है। ये मेरी माँ काली, यही माँ, बस ये कंबल रखने से ही ये। एक और महिला अपने बेटे को लेकर बाबा के पास आई है। ये शख्स चल नहीं पाता है, बाबा का दावा है कि वो उसको ठीक करके दौड़ने के काबिल बना सकता है। अम्मा, इसे बराए।
आप चिंता छोड़ो, मैं हूँ, मेरी माँ है। ये भारत की तीसरे नंबर की बीमारी, भारत की तीसरे नंबर सबसे बड़ी विश्व में, विश्व की बात कर रहा हूँ, भारत की नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिसे DMD बोला जाता है, दूसरा CP और तीसरा ये बीमारी है, मतलब जो भारत की, इसकी कोई इलाज नहीं है अभी साइंस के पास। आपके पास इलाज है? मेरी माँ के पास इलाज है, यही मेरी माँ के। आप कंबल पहनेंगे? हाँ, मैं उसको चले। और ये कहाँ से आई हैं? सिवान से। उम्मीद है बाबा से? सिवान से उम्मीद है, तब तक मुसलमान। अच्छा, तमाम तर्क शक्ति को दरकिनार कर बाबा के पास आए लोगों को उन पर पूरा भरोसा है और उनका कहना है कि इससे उनको काफी लाभ भी मिलता है। छत्तीसगढ़ से। आपके हस्बैंड है वो? तो ऐसे चल पाते थे जैसे अभी चल रहे हैं? नहीं, ऐसे खुलेआम नहीं चल, मतलब जैसे अभी चल रहे हैं वैसे नहीं चल पाते थे, घिस जाता था पैर। तो कहाँ से इनके बारे में पता चला जो कंबल वाले बाबा? YouTube पे देखे। हाँ, तो छत्तीसगढ़ से आज आई हैं आप? नहीं, हम मेरे को तो परसों आई हूँ। परसों आई है, तो ये बताइए पहली बार यहाँ पर पहुँची या इससे पहले भी आई? नहीं, मैं पहली बार आई। पहली बार आई? हाँ। तो भरोसा है कि जो उन्होंने किया या जो भी उनका विद्यार्थी उससे ये असर हुआ? तो हाँ, असर तो दिख रहा है इनको। क्या डॉक्टर से पहले दिखवाई थी कभी? हाँ, मैं डॉक्टर से हार गई हूँ। डॉक्टर से हार गई तब? हाँ, यहाँ पर पहुँची। हाँ, यहाँ लेके आई। अच्छा, पहले बोलते भी नहीं थे, गाना भी गा रहे हैं? अभी गाना भी गा रहे हैं, पहले बोल भी नहीं पा रहे थे। खुशी है, उम्मीद है कि पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे? हाँ, उम्मीद है हमको। तो देखिए, उम्मीद है और देखिए किस तरीके से चल रहे हैं। इनका कहना है कि ये चल नहीं पाते थे लेकिन छत्तीसगढ़ से ये बिहार पहुंचे हैं और यही कंबल वाले बाबा का कह सकते हैं कि ये चमत्कार कहिए या क्या कहिए, ये खुद अब चलने भी लगे। चमत्कार और अंधविश्वास की ये श्रृंखला यही खत्म नहीं होती। बाराबंकी से भी इसी तरह की विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ एक मौलवी का दावा है कि वो भूत प्रेत भगाने का काम करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मजार पर बुरी तरह से सिर हिलाती महिलाएं, दावा है कि ये युवतियाँ और महिलाएं भूत प्रेत डायन के वश में हैं और मौलवी इन्हें ठीक कर सकता है। अंधविश्वास का ये खुला खेल चल रहा है। बाराबंकी के फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर गाँव में बाबाओं का ये जाल जी का जंजाल बना हुआ है। कम पढ़े लिखे लोग इनका आसान शिकार होते हैं। चमत्कार के झूठे दावे कर ये लोग एक बड़े जनसमूह को अपने चंगुल में फंसाते हैं, उनकी श्रद्धा का गलत तरीके से फायदा उठाते हैं और मानने वालों की बड़ी संख्या के दम पर कई बार समानांतर सरकार तक चलाने लगते हैं। इनका रसूख इस कदर होता है कि कई बार ये लोग पुलिस और कानून से बड़े हो जाते हैं, राजनीति में गहरी पैठ बना लेते हैं, लोग इन्हें भगवान मानने लगते हैं, चरणों की धूल के लिए भागते हैं और मारे जाते हैं, जैसा कि हाथ। और चलिए अब रुक करेंगे, अगली खबर की बात करेंगे। उत्तराखंड उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, मंगलौर और